ये लेस के डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कॉटन थ्रेड यूज़ किया है और 1 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ किया है। तो इसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे इसे बनाने के लिए। थ्रेड अटैच करने के बाद चेन टू सिंगल क्रोशे बनाना है। 1, 2 सिंगल क्रोशे। चेन टू बनाएंगे अब। 1, 2 टर्न करेंगे अपने वर्क को। और ये जो स्टार्टिंग का सिंगल क्रोशे है ये स्पेस में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है इसके टॉप पर। इस तरह से हमने एक स्पेस क्रिएट की है। अब हमें टर्न करना है और चेन थ्री बनाना है। 1, 2, 3। ये जो डबल क्रोशे से हमने स्पेस क्रिएट की थी ट्राइंगुलर स्पेस, इसमें 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब एक बेस में ये जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशे बनाना है, 6th डबल क्रोशे। जो ये सिंगल क्रोशे की जो स्पेस है ये बेस में निडल इंसर्ट करके बनाएंगे इस तरह से। अब हमें इसे अटैच कर देना है इसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली। शेल जिस तरह से जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। मैंने सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर दिया है। अब हमें टर्न करना है। हमें चेन 7 बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब टर्न करेंगे अपने वर्क को। और ये जो स्टार्टिंग का चेन 3 है ये चेन 3 के ऊपर हमें इसे अटैच करना है स्लिप स्टिच बनाकर। ये अटैच हो गया है। अब हमें टर्न करना है अपने वर्क को। टर्न करने के बाद चेन 3 बनाएंगे। 2, 3। चेन 3 बनाकर हमें इसे होल्ड करके रखना है ताकि हमें पता रहे कि निशान कहाँ तक है चेन 3 का। इसके ऊपर फिर से चेन 3 बनाएंगे। 1, 2, 3। और ये जो मार्क करके रखा है हमने इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। और ये चेन 3 पिकॉट बन गया। अब हमें चेन 7 स्पेस में काम करना है। 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर 2 डबल क्रोशे के बाद एक चेन 3 पिकॉट बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे हो गया। अब चेन 3 पिकॉट बनाएंगे। 1, 2, 3 स्लिप स्टिच लेकर पिकॉट को कंप्लीट कर देंगे। फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम। वन टू फिर से चेन 3 पिकॉट। 1, 2, 3 फिर से 2 डबल क्रोशे।
चेन थ्री पिकॉट, 1, 2, 3, टोटल हमें 4 पिकॉट्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। अब ये स्पेस के अंदर हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 1 डबल क्रोशे को ये बॉटम में बनाएंगे सिंगल क्रोशे की स्पेस के नीचे, तो यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है और एक डबल क्रोशे बनाना है। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली हमें इसे अटैच कर देना है। ये हमारा फर्स्ट मोटिव बन गया है। अभी सिर्फ ऐसे ही हमें फॉलो करते जाना है और ये डिज़ाइन को बनाते जाना है।